नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मुजफ्फरनगर जनपद के नेशनल हाईवे 58 के बरला गांव स्थित टोल प्लाजा को अचानक इंफा कंपनी ने आधी अधूरी तैयारी के साथ चालू कर दिया, जिसमें टोल कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों से मोटा पैसा वसूल रहे हैं। टोल प्लाजा के चालू होने से स्थानीय लोग व नेशनल हाईवे के गुजरने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 24 घंटे में बिना जानकारी के आधी अधूरी तैयारी के साथ चलाए गए टोल को लेकर स्थानीय लोग और यात्री गुस्से में हैं और तब तक सड़क की मरम्मत नहीं होती तब तक टोल बंद करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड बॉर्डर से मिलने मुजफ्फरनगर जनपद के इस टोल के प्लाजा से दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोग हरिद्वार और पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इस टोल के आसपास ना ही तो कोई ठीक व्यवस्था है और ना ही सड़कों की ठीक से मरम्मत, जिससे यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। वहीं टोल से गुजरने वाले यात्रियों को आरोप है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस टोल को चालू किया गया है, जबकि यहां की सड़कें जर्जर होने के साथ ही टोल के पास पुल ब्रिज निर्माण दिन पर पड़ा हुआ है, लेकिन इंफा कंपनी ने यात्रियों से मोटा पैसा वसूलने के लिए इस टोल को आधे अधूरे निर्माणाधीन होने के बावजूद शुरू कर दिया, जिसमें यहां से गुजरने वाले यात्रियों की कार से 50 रुपये व ट्रक से 165 रुपये लिए जा रहे हैं। विशाल प्रजापति, पवन, मुजफ्फरनगर। किस चीज़ को लेकर धरना दिया सर? इनके द्वारा बताया गया था कि अभी पूरा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, टोल टेस्ट चालू हो गया है, तो उसी चीज़ में इनकी समस्या है, तो वो समस्या सुलझी गई है और उनका निस्तारण करने की भी NHAI वाली भी है बात हो गई है और वो लोग इस बात से खुश हैं। सर, कौन से प्रकार के जो वाहन है ना टोल फ्री किया गया है? वो इन लोगों ने NHAI वालों ने जो अपने किसान के लोग हैं, जो भी समस्या है घरेलू वाहन कमर्शियल वाहन के लिए क्या प्रोसीजर है? कमर्शियल वाहन अच्छा, कितने परिधि का टोल फ्री किया गया है सर? इनके 8-10 गांव, 10-15 गांव किए हैं, NHAI वालों ने अपनी मर्जी से किया है। आपने हमारी मांग है तो जो अनलीगल टोल चलाया था इन्होंने, अभी तो कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा नहीं हुआ था, जो मानक है मानक पूरा भी नहीं किया, टोल चला गया, टोल था इसलिए कराया गया। और जो आस पास के जितने भी गांव हैं जो लीगल रूप से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रखे, उनका टोल फ्री होना चाहिए, उनसे टोल ले लेते हैं। धरना देने के तुरंत बाद ही टोल लीगल हो गया, फिर टोल चालू हो गया? नहीं, इन्होंने हमारी मांगे मान ली, जो गांव थे आसपास के उन्हें फ्री कर दिया और इन्होंने 5 दिन हमारे से लिए कि 5 दिन में कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। और नहीं 5 दिन में पूरा होता है जी? यदि 5 दिन में पूरा नहीं होता तो जबरदस्त टोल यो तो कह रहे हैं हम पूरा नाका बंद कर देंगे आपके एक ही सड़क। कितने किलोमीटर की परिधि में टोल फ्री की बात रखी आपने? 15 किलोमीटर में। NHAI के अधिकारी मानने मानेंगे कि हाँ उन्होंने मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जो है पूरा जाम कर देंगे। किस सिलसिले में तो क्या इन लोगों की मांगे थी? ये है कि ये धरना इसलिए देने आए थे, ये बोल रहे थे कि जो टोल के आसपास के लोकल क्षेत्र हैं इसको फ्री किया जाए और NHAI के द्वारा 275 रुपये का इनका महीने का पास है। हमारी कंपनी ने फिर भी इनकी बातों को महत्व देते हुए 15 गांव फ्री किया। सर, कितनी रेडियस में फ्री किया गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर तक फ्री किया गया है। हाँ, यानी 10 किलोमीटर का एरिया है और उसके जो आस पास के 15-17 गाँव हैं वे भी सिर्फ ओनली कार। कमर्शियल वाहनों के लिए क्या प्रोसीजर रखा गया है? कमर्शियल वाहनों का जो है वो टैक्स जो सर के और तो जैसे सर बात हुई है किसान भी इससे खुद होता है कि कॉमर्शियल जो व्हीकल है उससे बिजनेस होता है वे पे करके जाए। सर, जैसे फ्री किया गया है उनका चार्ज कितना लगेगा? जो है बिल्कुल फ्री होगा या कुछ चार्ज लगता है? जो कार है वो तो देखो बिल्कुल फ्री है पर उससे लोगों को नुकसान होगा। उससे नुकसान ये होगा कि उनकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है, अगर वे